बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूएई के अंदर और दुबई के अंदर जितनी भी लेबर क्लास के लोग हैं, जो लोग मज़दूर हैं या छोटी जॉब्स हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम थी, आज जो है वो यूएई ने दुबई ने बड़ा ऐलान कर दिया है और हर लेबर क्लास के जितने भी लोग हैं उनकी 500 दिरहम जो है वो इजाफा करने का ऐलान कर दिया। वो चाहे प्राइवेट है जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी ठेके के थ्रू कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तमाम लेबर के जो लोग होंगे उनके 500 दिरहम जो है वो सैलरी बढ़ा दी जाएंगी। तो इसका जो फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो आज रात तक होगा, तो इंशाल्लाह वो भी, यानी कि उन्होंने आज इस बात को कह दिया है कि जितने लेबर क्लास के लोग हैं उनके 500 दिरहम फौरी तौर पर बढ़ाए जाएँ। लेकिन अभी नोटिफिकेशन जो है जैसे ही जारी होगा तो फिर तमाम प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट और जितने भी ठेके पे काम करें, तमाम लेबर की जो सैलरी 500 दिरहम बढ़ा दी जाएगी। और अच्छी एक और ख़बर है जनाब, जो है एमरेट्स एयरलाइन में 6000 जॉब्स का निकाल 6000 जॉब्स निकली हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको बताते हैं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या होने वाला है, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है फिर उसके बाद आपको पता चलता हो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका पासपोर्ट आपके पास होता ही नहीं है, कंपनी के पास होता है या किसी के पास होता है, तो फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी मौजूद, किसी के पास पासपोर्ट है, तो आप अपने इस वेबसाइट में जाके अपने वीज़े का स्टेटस पता कर सकते हैं कि कितने दिन रह गए, कितने घंटे रह गए, कितने महीने रह गए आपके वीज़े एक्सपायर होने में। ISSC वेबसाइट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ऑनलाइन खुद ही अपने घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एक्सपायर कब हो रहा है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप